हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से की है और मैं सुबह का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। आज मैंने दाल के भदौड़े, हमारे वहाँ बोले जाते हैं, तो मैंने बनाए थे, तो उन्हीं को फ्राई कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई थी नाश्ते में, तो उसी सब तैयारियों में लगी हूँ। मैं नहा धो के अपने किचन में आ गई हूँ पूजा उजा करके। मैंने आधा तैयारी रात को ही कर ली थी, दाल का काम निपटा लिया था, बस फ्राई करना ही बाकी है, तो मैं उन्हीं को फ्राई कर रही थी। और साबूदाना मैंने बना के रख लिया है कैसरोल में। देखिए, थोड़े से मूंगफली के दाने भी भूने हैं क्योंकि ये तो खा भी नहीं पाते हैं। मिर्च भी फ्राई करी है मैंने। अब ये दोपहर का समय, ये खाना खा के चले गए थे, तो आया था खाना खाने के लिए, उनको भी परस दिया है खाना। खाना खाओ पापा, दाल खिला दो, आम अच्छा खा लो, दाल खिला दो, खीरा खिला दो, आम खिला दो। तुम पहले खाओ, खुद नहीं खाते हो जो इतनी देर में खाना खा रहे हो, 4:15 बताओ, और सुबह भी कुछ नहीं खा के गए, सब्जी बिल्कुल बचे ना, खाने भी नजर लगवा दूंगी क्या है। देखो मेरी दाल कितनी रखी है, हम भी खा रहे खाना, पापा खा गए टाइम से, 3 बजे तक आ जाया करो, दोनों लोग खा लिया करो। ओके, 3 बजे, 4:15 है, 4:30 बज गया है, बताओ खाना का टाइम ये है तुम्हारा, खा लो भाई, हम भी लाओ खा लो। फ्रेंड्स, मैं अब किचन में आ गई हूँ अपनी, और मैंने शाम की दिया बाती कर ली है। 7:30 का समय हुआ है और मैं आप सब्जी छौंकने लगी हूँ। आराम आराम से काम करती रहूँगी और अपना वीडियो का भी काम करती रहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं रोज ही रोज वीडियो डाल रही हूँ, तो थोड़ा बिजी भी रहती हूँ। मैंने कटी प्याज ही डाल दी है, पीसी नहीं है आज, ऐसे भी प्याज गल जाती है, थोड़ी सी ही गुइयां थी, तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी छौंक दिया है। के साथ में थोड़ा सा बेसन का आटा मलूंगी, बेसन में थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के अजवाइन वगैरह डाल के, तो अच्छी भी लगती है इसके साथ में और थोड़ा अलग भी हो जाएगा खाना, क्योंकि मेरी सब्जी का मसाला भुन गया है। अब मैं घुइयां डाल दूंगी, कुकर में 2-3 सीटी लग जाएंगी तो मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। जब तक मैं फटाफट से थोड़ा सा आटा भी मल लूंगी, बेसन मिला लिया है, आधा आटा आधा बेसन, थोड़ा सा अजवाइन डाली थी, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, इस समय लगातार वीडियो डाल रही हूँ, प्लीज आप लोग मेरी मेहनत को देखिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। एक ही तरीका है मोटिवेट करने का, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी उत्साह बनाने वाले हैं। मेरे घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है और ये आ गए हैं, अभी बेटा नहीं आया, वो कोई काम से गया हुआ है, अभी ये लेटे हुए हैं। देखिए, ये दुकान से आ गए हैं और न्यूज देख रहे हैं, मैं बेटे का इंतजार कर रही हूँ, जब वो आए तो मैं खाना सेकूँ। बिछा दी है और खाना सेक लूँगी, और मैंने घुइयां की सब्जी बनाई है रसेदार, और बेसन की टिकिया बनाऊंगी, बेसन का आटा मैंने मल के रख दिया था, ज़्यादा कोई वैसे भी नहीं खाता है शाम के समय, बस फटाफट से मैं टिकिया बना दूँगी, थोड़े से प्याज काट दूँगी, क्योंकि तो घुइयां की सब्जी जब बनती है तो नींबू का प्याज अच्छा लगता है साथ में, तो मैं वही करने जा रही हूँ। जब तक मैं करूँगी तो शायद जब तक बेटा भी आ जाए तो सब साथ में ही खा लेंगे, और अगर नहीं आएगा तो उनको तो मैं खिला ही दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर खाना। वैसे तो ये कह रहे थे कि साथ में ही खा लेंगे उसको आने दो, लेकिन 10 बजने वाला है तो मैं इनको खिला दूँगी सेक के, और जब बेटा आएगा तो मैं सेक के रख दूँगी उसके लिए, मैं भी खा लूँगी, जब तक आ ही जाएगा वो भी। प्लीज़
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी मेरा चैनल थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आता है, और मुझे कमेंट में बताइए कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ। आपको अगर मेरा वीडियो कुछ भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप तब भी कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे दिखाऊँ आपको, क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। जो चीज़ आप लोगों को पसंद होगी मैं वही बनाऊँगी। ठीक है, मैं चलती हूँ खाना सीखने, और लेट हो गया है। वैसे भी हमारे यहाँ तो लेट ही खाया जाता है, इसी वजह से हम लोग बहुत जल्दी नहीं पाते हैं, और नौडी भी बहुत परेशान करती है सुबह सुबह। अभी 5 बजे 4:30 बजे या 5 बजे मुझे उठा देते हैं, तो मुझे जो है उनको बाहर निकालना होता है। फिर मैं उठती हूँ, फिर दरवाज़ा खोलती हूँ, फिर उनको अंदर करके फिर उनके पैर बुलाती हूँ, फिर उनको पहले भी देती हूँ, फिर मैं फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे रात को भी बहुत लेट हो जाता है और मेरी तबीयत भी नहीं सही रहती है। मेरे बाएं कंधे में बहुत दर्द है, जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मेरी दवा भी चल रही है, और रोज़ वही बात कहना अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं रोज़ आपको बताऊँ मेरे दर्द है या मेरी तकलीफ है। इसी वजह से ज़्यादा मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं जब वो घर पे होते हैं, तो जितना भी हो सकता है तो वो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं। देखने वाले लोग सोचते होंगे कि कितना काम करते हैं, लेकिन उनको ये फ्रेंड्स अब बातें तो मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से करने का, लेकिन आप लोग कुछ नहीं बात करते हैं, तो मैं क्या बात करूँ आपसे। आप लोग कुछ कमेंट में जब मुझसे बात करेंगे तो मैं भी आपसे बात करूँगी, और क्या कह सकती हूँ, वो आपकी मर्जी है नहीं चाहते हैं मुझसे बात करना या कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं खाना सीखने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे अभी। प्लीज़ वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूट्यूब में धीरे धीरे सीख रही हूँ कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, कैसे एडिटिंग की जाती है, कैसे थंबनेल बनाया जाता है। अभी मुझे कोई इतनी अच्छी से जानकारी नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से जैसे कि होता है मुझसे बना के डाल देती हूँ, क्योंकि तो मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बेटा है भी घर में तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो खुद के ही बहुत काम होते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ, मेरी आपसे विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। लो खाना खाओ दोनों लोग, खाए तो रहे हैं, नमक डाल लो प्याज में, डाल ले। और नींबू जो है देखो इसी में रखा है, ला रहे हैं दो चम्मच ला रहे हैं। भैया आम तो नहीं कोई खाएगा, आम मम्मी खाएंगे, प्याज नींबू नमक धनिया और ये मक्खियाँ की रोटी है, बेसन की रोटी, बेसन की टिकिया, बेहतरीन। चलो चम्मच ला दो, इतना भी तो डाल देना, बहुत ले जाओ। बहुत बोलते हो भाई, हमें सुनना चाहती ऑडियंस जरूर, तो बेकार की बातें नहीं कोई सुनना चाहता है। अब तुम मोबाइल रख दो, तो पहले खाना ही खा लो सही से। लोग खाना खा रहे हैं बैठ के आराम से, मेरा छोटा सा परिवार है और सुखी परिवार है, हम लोग जितना है उतने में ही बहुत खुश रहते हैं। ये टीवी देख रहे हैं न्यूज, अब ये लोग खाना खा चुके हैं, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ फ्रेंड्स।
चटनी आप लोग भी खा लीजिए। रात का डिनर हमारा। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरा वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखिए। गुड नाइट आप सभी।